आज की वीडियो में हम फेसबुक से अर्निंग नहीं करने वाले, ना ही यूट्यूब से, ना ही टिकटॉक से। हम इन प्लेटफॉर्म को यूज लाजमी करेंगे, लेकिन हम इनसे अर्निंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन पर अर्निंग बहुत ज्यादा लेट होती है, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, उस मेथड को आज सीखने वाले हैं कि हम इंस्टेंट अर्निंग स्टार्ट कर दें, आज ही से कमाना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उससे फॉलो करते हुए हम आज ही से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। और मजे की बात ये कि हम ना तो फेसबुक से अर्निंग करने वाले हैं, ना यूट्यूब से, ना टिकटॉक से। इनको हम यूज करेंगे, लेकिन हम इन पर अर्निंग नहीं करेंगे, जस्ट इनको यूज करते हुए अर्निंग करेंगे, और वो भी हम डायरेक्ट अपने जैज कैश में लेंगे। तो किस स्ट्रेटेजी को हमने फॉलो करना है, सारी चीजें आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लैपटॉप की स्क्रीन पर आप सेम काम अपने मोबाइल फोन पर भी परफॉर्म कर सकते हो। बड़ी स्क्रीन पर सिखाने का मकसद ये है कि प्रॉपर चीजों की आपको समझ आ जाए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला नया मेथड सबसे पहले आपको मिल सके। नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सीखते हैं आज का काम। लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। ओके, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, हम यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक को यूज करेंगे, लेकिन हम उनसे अर्निंग नहीं करने वाले। हमने यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं, और आपने यहां पर जो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, अर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, ड्रामा सीरियल हो सकती है, कोई प्रैंक हो सकता है, कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, आपने वो वीडियो देखनी है जो कि ट्रेंड में चल रही हो। आपने उस वीडियो को सर्च कर लेना है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ऑनलाइन अर्निंग यहां पर लिखा है, और यहां शॉर्ट्स पे क्लिक कर दिया। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस यहां पर आ चुकी हैं, ये देखिए मल्टीपल वीडियोस आपको नजर आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, यहां पर आपने उस शॉर्ट को सेव कर लेना है अपनी गैलरी में, जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो। ये मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं इसे अपने गैलरी में सेव कर लूंगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। ये देखें, मैंने क्लिप को सेव कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम फेसबुक को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आपने फेसबुक ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपने एक छोटा सा अपना पेज क्रिएट कर लेना है। कैसे पेज क्रिएट करना है, अगर आपको नहीं आता तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। ये देखें, मोर की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, तो ये देखें पहले ही नंबर पर आपको वीडियोस की ऑप्शन मिल रही है। आपने वीडियोस पे क्लिक करना है, तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको अपलोड वीडियो की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और उस वीडियो को आपने यहाँ पर अपलोड करना है। ये ऑटोमेटिक क्लिप को रील में कन्वर्ट कर देगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आकर हमने ब्रेक लगा देनी है। अब हम मूव करेंगे उस प्लेटफॉर्म की तरफ जो हमें यहाँ से डायरेक्ट अर्निंग करके देगा। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, चलते हैं उसकी तरफ। तो ये देखें, ये मेरे पास है मोनीटैग प्लेटफॉर्म। ये सेम एडिट एड स्टीरिया की तरह ही काम करता है। यहाँ पर भी आप उसी की तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हो, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हो, पेड ट्रैफिक भी आप यहां पर ले सकते हो। मल्टीपल वेज हैं यहां भी अर्निंग के। काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म पर हमें साइन अप करना होगा। उसके लिए हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने अकेले यहां पर काम करना है, कंपनी आपने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करनी। नीचे आएंगे तो ये देखिए, मेरे पास यहां पर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना कंट्री आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं आता, आपने मैनुअल यहां पर पाकिस्तान टाइप कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने सिटी लिख देना है। सिटी लिखने के बाद नीचे अपना एड्रेस लिखना है, और नीचे आते हैं तो ये देखें, ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, वेरिफिकेशन मे बी रिक्वायर्ड, अगर मांगे तो आपने फर्दर इसे दे देनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नीचे वो ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, और आपने फोन नंबर लिख देना है, और यहाँ पर आपने अपने मैसेंजर का, फेसबुक का हो सकता है, व्हाट्सएप का, किसी का भी मैसेंजर हो सकता है, वो आपने यहाँ पर उसका निकनेम लिख देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देता हूँ, और हम फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट वो हमें पूछ रहा है कि व्हाट ट्रैफिक डू यू वांट टू। अब इधर हमने क्या करना है, यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल रही होंगी, तो हमने क्या करना है, आप कौन सी जगह पर मोनेटाइज होना चाह रहे हैं, तो ये देखें, आई वांट टू मोनेटाइज, हम ट्रैफिक लेना चाह रहे हैं फ्रॉम फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, तो हम इसी वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और नीचे वो हमें पूछ रहा है कि
नीचे वो हमें पूछ रहे हैं कि आप ट्रैफिक पिक किस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल यहाँ पर किसी झंझट में नहीं पड़ना, आपने सिंपल वो जो पेज हमने जनरेट किया था आपने उसके यूआरएल को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने सिंपल उसे पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सिंपल वो पेज को ओपन करूँगा और ये देखिए उसके यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर देना है, हमने मैनुअल यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करना। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, हाउ डिड यू नो अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कहां से सुना या कहां से आपको मालूमात मिली, तो सोशल मीडिया आपने यहां पर टाइप कर देना है। और नीचे वो क्या कह रहा है कि आप इस तरह के किसी और अफिलिएट प्रोग्राम या मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं पहले से, तो हम पहले से बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे, तो सिंपल आपने यहां पर नो लिख देना है और मजीद आपने यहां पर कोई डिटेल नहीं लिखनी। नीचे वो क्या कह रहा है कि व्हाट टूल्स, कि आप ट्रैफिक लाने के लिए कौन से टूल्स यहां पर यूज करेंगे, तो आपने यहां पर भी सोशल मीडिया लिख देना है। अब फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपने टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है, आई एम नॉट और बोर्ड पे हम क्लिक करेंगे और सिंपल साइन अप पे हमने क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट, हमने वेरिफिकेशन मेल आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया है, उसे ओपन करें और अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें। तो हम अपनी ईमेल आईडी पर चलेंगे, वहां पर जाकर हम अकाउंट की वेरिफिकेशन करेंगे। ओके, तो ईमेल मेरे पास आ चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी, और ये देखिए नीचे आपको वेरीफाई अकाउंट नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से अकाउंट को वेरीफाई कर लूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये देखिए मेरे पास ये नेक्स्ट मुझे मेन पेज पर ले जाएगा, हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप मल्टीपल वेज से काम कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी ऐड कर सकते हो, उसके अलावा आप यहाँ पर डायरेक्ट लिंक से भी अर्निंग कर सकते हो। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट लिंक से अर्निंग करना सीखेंगे, सेम एडिटिव जैसे एडस्टीरा। डायरेक्ट लिंक बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल मेरे पास ये पहले से ऑलरेडी डायरेक्ट लिंक एक मौजूद भी है, आपने अगर नहीं बनाना था तो ये देखें सिंपल ऐड डायरेक्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है, यहां से किसी भी किस्म का नेम आपने डायरेक्ट लिंक को दे देना है और गेट टैग पे क्लिक कर देना है। ये देखिए डायरेक्ट लिंक आपका जनरेट हो चुका है। अब आपने यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है, आपने इस डायरेक्ट लिंक को डायरेक्ट यहां से कॉपी करके अपनी वीडियो के अंदर पेस्ट नहीं करना। अब हमने क्या करना है, इसे यहां से कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद एक हमारे पास वेबसाइट है shorturl.com की, मैं उस वेबसाइट पर जाऊंगा, उस वेबसाइट को मैंने ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद यही लिंक मैं इधर डालूंगा और इसे मैंने शॉर्टनर करना है। शॉर्टनर लिंक करने का ये फायदा होगा कि आप वीडियो को विद डैट लिंक कहीं भी शेयर करेंगे तो आपको किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए मेरे पास लिंक शॉर्ट हो चुका है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब मैंने क्या करना है, वापस मैं उसी पेज पर आ जाऊँगा। अब मैंने यहाँ पर अगेन वीडियो जो अपलोड कर रहा था इसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में मैंने क्या लिखना है आपने ध्यान से समझना है। जस्ट आपने यहाँ पर लिखना है वेबसाइट, वेबसाइट उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ कॉलम डालने हैं और इस तरह का एक एरो डाल देना है, उसके बाद आपने उस वेबसाइट का शॉर्ट किया हुआ लिंक डाल देना है। सिंपल आपने ये वाली चीज यहां पर करनी है और थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे पब्लिक की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपने इसे पब्लिश कर देना है, ठीक हो गया। इस तरह हमारी पोस्ट लग चुकी है, अब जैसे ही पोस्ट अप्रूव होती है हमारी ग्रुप में अपलोड हो जाएगी, हमारे पेजेस पर अपलोड हो जाएगी। इस तरह आपने मल्टीपल पेजेस पर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया के, जिस तरह जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास सभी पर आपने अपलोड करनी है और फौरन जैसे ही क्लिक आने स्टार्ट होंगे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने फॉरन जो कंट्रीज़ हैं उनके ग्रुप्स पेजेस भी ज्वाइन करने हैं, वहाँ भी आपने ये पोस्ट लाजमी लगानी है, वहाँ भी अपलोड करेंगे, वहाँ से CPM रेट और भी ज़्यादा मिलेगा। आजकल इसका CPM रेट बहुत तेज चल रहा है, मोनेटाइज का $8 CPM पे आपको यहाँ पर आजकल अर्निंग हो रही है। एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका मैं आपको विजिट करवाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। प्लेटफॉर्म का नेम है MeWe, ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा फेसबुक और ट्विटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इस पर क्लिक्स कहाँ से आते हैं, फॉरेन कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, मींस के यहाँ पर CPM रेट बहुत ही हाई होगा। आप यहाँ पर भी अपनी वीडियो विद डैट लिंक लगाएं, यहाँ पर आपकी अर्निंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। जस्ट आपने पोस्ट पर आना है और वीडियो के साथ उसी लिंक को शेयर कर देना है, तो यहाँ पर भी आपकी अर्निंग होने वाली है और आपको यहाँ से पाकिस्तान की निस्बत, एशियन कंट्री की निस्बत डबल अर्निंग होने वाली है, ठीक हो गया। ये देखें लोगों की पोस्ट यहाँ पर अपलोडेड भी हैं, आपने भी सेम एडिटिव आप अपनी पोस्ट यहाँ पर अपलोड कर देनी है, यहाँ भी किसी भी किस्म की आपको रेस्ट्रिक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं, हमने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर लिया, उसके बाद अब हमने यहाँ पर अर्निंग भी कर ली,
विड्रा हमने यहाँ से कैसे लेना है, उसके लिए देखिए मैं पेमेंट अर्निंग पहले आपको दिखाता चलूँ। जितनी अपनी हमारी अर्निंग होने वाली है सारी की सारी यहाँ पर डेट वाइज आपको शो होती रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं पेमेंट की तरफ। ये देखें जैसे ही मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर आपको वो मेथड्स दिखाऊँगा जिससे आप यहाँ पर विड्रा ले सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है पेमेंट मैथड्स की, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो आपको ये देखें यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होने वाली हैं, पेपाल की और पायोनीर की। पेपाल की जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सेकंड नंबर पर है पायोनीर। ये देखिए पायोनीर वो प्लेटफॉर्म है, वो एक विड्रॉ का मेथड है जिससे आप डायरेक्ट अपनी अर्निंग अपना विड्रॉ अपने जैज कैश में ले सकते हो। मजे की बात ये कि यहाँ पर जैसे ही आपके $20 कंप्लीट होंगे आप अपना विड्रॉ ले सकते हो, उसे डायरेक्ट जैज कैश में ट्रांसफर कर सकते हो, तो है ना अमेजिंग। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिंक से आज अर्निंग करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, एंड्रॉइड ऐप कैसे ऐड करनी है, वो चीज़ें भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लाजमी सिखाऊंगा। तो इस तरह आपने अभी से काम शुरू कर देना है, आज ही से जैसे ही हमारे क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे फौरन से हमारी अर्निंग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके तो गाइस उम्मीद है आज की सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको समझ आ चुकी होगी। फौरन से काम को सीखें, समझें, इंप्लीमेंट करें और आज ही से कमाना शुरू कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अर्निंग टॉपिक के साथ, एक नए अर्निंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को थम्स अप दे दें, नीचे अच्छा सा कॉमेंट लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।